ग्वालियर में हिंदू इकोसिस्टम द्वारा 101 रामचरितमानस का वितरण किया जाएगा। रामचरितमानस वितरण के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज को जागृत किया जाए और समाज की बुराइयों को खत्म किया जाए। अब हिंदू इकोसिस्टम द्वारा 25 फरवरी शनिवार को शाम 5 बजे मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पड़ाव पुल के नीचे 101 रामचरितमानस का वितरण किया जाएगा। हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश समन्वयक ब्रजराम सिंह ने बताया कि देखने में आता है कि रामचरितमानस अब सिर्फ मंदिरों तक सीमित रह गई है। इसे प्रत्येक हिंदू के घर में पहुंचाकर हिंदुओं को जागृत करने का कार्य किया जाएगा व युवाओं को रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वार्ड समन्वयक और कार्यकर्ता लोगों में चेतना लाने के साथ घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। वहीं जब उनसे रामचरितमानस की चौपाइयों के प्रति दुर्भावना फैलाने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुछ लोग वोट बैंक के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोच यह है कि ग्रंथ का अच्छी तरह अध्ययन करें, फिर उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करें। वैसे ग्रंथ किसी भी वर्ग का हो, उसमें सभी अच्छाइयां लिखी हो, ऐसा संभव नहीं। देखिए, जैसे हमारे कमल जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य बहुत ही सरल है, घरों में चौपालों में मंदिरों में मानस का पाठ दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ स्थापित हो, चालू हो, इसलिए हमने ये किया है। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आज की डेट में मानस का पाठ नहीं होता है, कई बड़े मंदिर हैं या 24 घंटे होता है। तो हमारा प्रयास है अपने संगठन के थ्रू कि वार्डों में हमारे जो वार्ड संयोजक हैं अपने अपने वार्डों में एक एक मंदिर में इनकी स्थापना करें, और इसके अलावा जो हमारे सदस्यों के जो परिचित हैं वो लोग अपने मोहल्लों में अपनी सोसाइटियों में इसकी स्थापना करना चाहते हैं, घरों में स्थापना करना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के साथ संकल्प के साथ हम इसे वितरित करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।